ओम गण गणपते नमः। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हमारे सनातन धर्म का नववर्ष आने में तो अभी कुछ समय है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी के व्रत की। जानेंगे सफला एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के पारण का क्या समय रहेगा और अंत में सफला एकादशी की कथा महात्म्य सुनेंगे। नए साल का प्रारंभ हो चुका है और नए साल की शुरुआत में ही नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत आ रहा है। सफला एकादशी को कुछ विशेष एकादशियों में गिना जाता है। सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही सफलता देने वाली होती है। यह व्रत करने से मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार के दिन रखा जाएगा और इस तिथि का जो प्रारंभ है वो 7 जनवरी मध्यरात्रि 12:41 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन होगा 8 जनवरी 12:46 मध्यरात्रि के। तो इसीलिए इस बार एकादशी एक ही दिन पड़ेगी। अब जानते हैं एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सफला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर रात्रि के 10:03 तक। और इस दिन इस समय सुबह 7:15 से रात्रि के 10:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण का क्या समय रहेगा। एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह के 9:20 तक एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा। तो अब हम अपनी सफला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से ये अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपना सफला एकादशी व्रत का महात्म्य पाठ आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, ये सब कुछ आप मुझे समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करने वालों पर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मण, वैष्णव आदि इन सब की निंदा करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ये समाचार ज्ञात हुए तब उसको अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में वह एक दिन वन में रहने के लिए चला गया और वह वन में रहने लगा। रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता और अन्य कुकर्म किया करता था। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यधिक प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था और सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह
वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न तो वो सो सका और उसके हाथ पैर भी अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता के साथ बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन करने की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में तो असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से तो आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। उस महापापी के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और ये आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो ऐसा बारंबार कहने लगा। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा अपने पिता को कह सुनाई और पिता ने अपना सारा राजभार उसको सौंप दिया और वन का रास्ता किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा और उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महत्तम का पठन और श्रवण करने से भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए नारायण नारायण, जय श्री कृष्णा। एकादशी व्रत की सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं।